हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक पांडा वेब और मैं हूं आपका दोस्त राणा। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडियन रेलवे के एक नए नियम के तहत अब आप किसी भी ट्रेन के चार्ट प्रिपेयर्ड होने के बाद उस ट्रेन में अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है, कोई सीट खाली है, तो उस सीट को अब आप इजीली बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या टीटी के थ्रू आप उस सीट को अपने लिए बुक कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इंडियन रेलवे की तरफ से। इसके बाद आप चार्ट प्रिपेयर्ड होने के बाद भी अपने लिए किसी भी ट्रेन में टिकट को बुक कर सकते हैं अगर उस ट्रेन में कोई भी सीट वैकेंट रह जाती है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी वैकेंट सीट के बारे में, किस तरीके से आप सीट को बुक कर सकते हैं ऑनलाइन या टीटी के थ्रू, क्या प्राइस आपको पे करना होता है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को इस रेड बटन पर क्लिक करके, और साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं वैकेंट सीट को बुक करने का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले जो चीज़ करनी है हम लोगों को, वो करनी है कि IRCTC के वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे बुक योर टिकट का ऑप्शन आ जाता है। इसी के अब नीचे ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो चार्ट वैकेंसी का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डिटेल पेज आ जाएगी, जर्नी डिटेल, आपको किस ट्रेन के लिए टिकट चेक करना है चार्ट प्रिपेयर होने के बाद, उसमें सीट अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ पे डेट है, उसके बाद आपको बोर्डिंग स्टेशन सेलेक्ट करना है, किस स्टेशन से आपको टिकट चाहिए। तो यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे टिकट्स की डिटेल है, सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के लिए टिकट अवेलेबल है। बट आप सारे कोच की टिकट देखेंगे तो यहाँ पे कोई सी भी टिकट अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जो आप चार्ट डिटेल्स यहाँ पे चेक करेंगे, आपको उसी स्टेशन के लिए अवेलेबल होगा जहाँ के लिए चार्ट प्रिपेयर हो चुका है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इलाहाबाद के लिए चेक करूँगा तो यहाँ पे एक एरर पेज आ जाएगा मेरे पास कि यहाँ के लिए अभी चार्ट प्रिपेयर नहीं है, तो हम लोग किसी भी सीट को बुक नहीं कर सकते हैं, कोई भी डिटेल नहीं देख सकते हैं। आप उसी स्टेशन के लिए चेक कर सकते हैं जहाँ के लिए चार्ट प्रिपेयर हो चुका है, उसके बाद आपकी डिटेल यहाँ पे आप ऑनलाइन देख सकते हैं कौन सी सीट अवेलेबल है, कौन सी सीट वैकेंट है जिसे आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे क्लिक करने के बाद स्लीपर पे, यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक की सीट अवेलेबल है आपको। यहाँ पे मैं चेक करने वाला हूँ आनंद विहार से कोडरमा के लिए, बट कोई सी सीट अवेलेबल नहीं है, बट बीच बीच की सीट मुझे अवेलेबल मिल रही है जैसे कानपुर इलाहाबाद के लिए, जो मेरे लिए बेटर होगा। तो मैं कुछ दूरी तक के लिए रिजर्वेशन करवा के जा सकता हूँ, और उसके बाद भी अगर सीट मुझे अवेलेबल मिल जाती है ट्रेन में तो मैं फिर कंटिन्यू उसे कर सकता हूँ। तो फिर से हम लोग चलते हैं IRCTC के होम पेज पे, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा आनंद विहार से कोडरमा, और यहाँ पे देखिए जो भी ट्रेन है यहाँ पे शो कर चुके हैं। और नंदनकानन के लिए मुझे टिकट चाहिए तो यहाँ पे मैं नंदनकानन के लिए देखूँगा, और यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं नॉट अवेलेबल का शो कर रहा है। यहाँ पे जब मैं ट्रेन डिटेल पे जाऊँगा तो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ कौन कौन से मेजर स्टेशन से होके ट्रेन गुजरती है जहाँ के लिए मैं टिकट देख सकता हूँ बीच के लिए अवेलेबल है या नहीं। अभी मैं चेक कर रहा था आनंद विहार से कोडरमा के लिए, बट सीट अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं अब कानपुर तक के लिए चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे सीट मिलती है या नहीं। यहाँ पे देखिए फिर से नंदनकानन पे मैं जाके चेक करूँगा, अब फिर से मॉडिफाई सर्च करके मैंने चेक किया और यहाँ पे देखिए करंट अवेलेबल 3 आ गया है। और उसी तरीके से अब मैं कुछ आगे के स्टॉपेज के लिए चेक कर लेता हूँ, कानपुर तक अवेलेबल है तो इसके बाद का जो स्टॉपेज है इलाहाबाद का, यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर नंदनकानन पर आपको जाना है। जब आप चेक अवेलेबिलिटी पे करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको आनंद विहार से लेकर के इलाहाबाद तक के लिए टिकट अवेलेबल है चार्ट प्रिपेयर होने के बाद। इसके बाद मैं थोड़ा और अपने सर्च को मॉडिफाई करूंगा और दीनदयाल उपाध्याय तक चेक कर लूंगा, यहाँ तक के लिए अगर मुझे सीट मिल जाती तो, बट यहाँ पे नॉट अवेलेबल का ऑप्शन आ गया। तो मतलब कि यहाँ से मुझे आनंद विहार से अगर इलाहाबाद तक के लिए मैं टिकट लेता हूँ तो मुझे अभी भी टिकट अवेलेबल मिल जाएगी अपने ट्रेन में, नंदनकानन में मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, टिकट के साथ मुझे सीट अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए बुक नाउ का ऑप्शन आ गया, और व्यू चार्ट वैकेंसी का भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एक नया ऑप्शन भी आपको नीचे मिल जाएगा अगर उस ट्रेन की चार्ट प्रिपेयर हो चुकी है तो, यहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो सीट की जो डिटेल है वो यहाँ पे शो कर जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ ये प्रॉब्लम है दोस्तों, ये चीज़ आप चार्ट वैकेंसी के थ्रू भी देख सकते थे, बट ये जो अपडेट है वो IRCTC के मेन पेज के साथ
मुझे उतना बेटर टैली नहीं मिला, तो मैं नॉर्मली इसके थ्रू आपको जो बुक कर रहा हूँ, मॉडिफाई सर्च करके चेक कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे जो ट्रेन का ये ऑप्शन बना हुआ है दोस्तों, यहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। इस पे जिस पे ये ऑनलाइन यहाँ पे शो करेगा, मतलब आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। अगर ये ट्रेन हाइट दिखा रहा है तो मतलब आपको टीटी के थ्रू परचेस करना होगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया था, बट ये वहाँ पे तो सीट शो कर रहा था, बट यहाँ पे नॉट अवेलेबल का ऑप्शन आ गया है। तो चलिए हम लोग जो नॉर्मल था बुक को उसको बुक कर लेंगे। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे उस डेट की ट्रेन की टिकट आपको अवेलेबल मिल रहा है, साथ में और भी जो नेक्स्ट डेट है उसकी डिटेल मिल गई, और साथ में उसके एक और भी ट्रेन की डिटेल आपको मिल जाती है जो सेम टाइम पे है और जहाँ पे जिसके लिए आपके पास इलाहाबाद तक के लिए सीट अवेलेबल है दूसरी ट्रेन में भी, उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। बट हमें नंदन कानन में ट्रैवल करना है, तो नंदन कानन में आपको बुक नाउ पे क्लिक कर देना है, 5 जून की टिकट मुझे परचेस करना, और उसके बाद ये आपको बुकिंग पेज के होम पेज पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपको डिटेल फिल करना है, देन कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करना है। कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो टिकट डिटेल आ जाएगी, करंट अवेलेबल 3 है, नेम यहाँ पे ट्रैवल पैसेंजर नेम है, और टिकट जो है आनंद विहार से लेकर के इलाहाबाद तक के हैं। कंटिन्यू बुकिंग फिर से करना है, कंफर्म करने के बाद यहाँ पे पेमेंट पेज है। यहाँ पे पेमेंट में दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, जो टिकट फेयर है मुझे पे करना है 340 रुपीज़ टोटल फेयर मुझे आनंद विहार से लेकर के इलाहाबाद तक के लिए पे करना है। बट यहाँ पे जो इसका नॉर्मल फेयर है, अगर आप आनंद विहार से लेकर के इलाहाबाद तक के लिए टिकट जो परचेज करेंगे उसका जो नॉर्मल फेयर है दोस्तों, वो यहाँ से फेयर से कुछ डिफरेंस है। अब वो क्या डिफरेंस, यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे मैं आनंद विहार से लेकर के नंदन कानन में इलाहाबाद तक के लिए टिकट पे लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पे करना पड़ रहा है 370। बट चार्ट प्रीपेड होने के बाद जब मैं टिकट को बुक करता हूँ तो मुझे क्या पे करना है, 340। तो 30 रुपये का यहाँ पे आपको और बेनिफिट हो रहा है दोस्तों, अगर आप इस तरीके से बुक करते हैं। यहाँ पे उसके बाद आप फाइनल बुकिंग के लिए अपने UPI का या क्रेडिट कार्ड का या बैंक डिटेल का यूज़ करें। यहाँ पे मैं UPI के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। टिकट यहाँ पे आप देख सकते हैं, टिकट बुक हो चुकी है। बुक टिकट हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पे देखिए 5 जून के लिए टिकट मेरी बुक हो चुकी है, आनंद विहार से लेकर के इलाहाबाद तक की टिकट यहाँ पे मैं बुक कर चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से किसी भी ट्रेन में चार्ट प्रिपेयर होने के बाद आप अपने लिए टिकट बुक कर सकते हैं। अगर उस ट्रेन में कोई सीट वैकेंट रह जाती है, खाली रह जाती है, तो उस टिकट को आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मतलब आपको उस टिकट को TT के थ्रू लेना होगा दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है इंडियन रेलवे के द्वारा। इसके बाद आप चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी अपने लिए टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो इंडियन रेलवे से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।